फसल जानते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू के खेत में जो जनपद हाथरस के अंतर्गत आता है और बेल्ट जो है आगरा बेल्ट है ये, और यहां पर 37-97 की खुदाई हो रही है और ऐसे में किसान भी यहां पर मजदूरों को लगाकर अपना आलू की डिगिंग यानी कि खुदाई करवा रहे हैं और यहां पर ढेर भी लगे हुए हैं और अदर देखा जाए तो लेबर जो है पूरी तरीके से खेतों में जुट चुकी है। और ऐसे में किसानों से ही हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर 37-97 आलू की इतनी जल्दी खुदाई की क्या बड़ी थी। मेरे साथ दादा मौजूद हैं, दादा से पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है? अतर सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? गड़ी आसा कुरसंडा ग्राम पंचायत। जी ग्राम पंचायत। कौन सा आलू किया था आपने? 37-97 भी किया है और हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड भी है। 37-97 कितने बीघा किया है? 20 बीघा। 20 बीघा 37-97 है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी खुदवाने की? थोड़ा मतलब ये कह कहते हैं कि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो एकदम तो नहीं खुद पाएगा, अब जल्दी खुदाई शुरू कर दी है तो धीरे धीरे कह कहते हैं खुदेगा तभी समय तक खुद पाएंगे। ये बताइए दादा, आलू का उत्पादन कैसा निकल रहा है? उत्पादन कह कहते हैं ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, मीडियम ही निकलेगा। एवरेजन यानी पिछली बार कितना था? पिछली साल कह कहते हैं 40 का एवरेज था एक बीघे में, 40 पैकेट। और अब कह कहते इतना ही होगा लगभग, मतलब वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, इतना ऊपर नहीं है जैसे 45-50 का, वो नहीं है? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 40 तक ही सिमट गया है। हाँ, 40 तक ही सिमट गया। कारण क्या रहा है इसका? कारण कह कहते ये है, समय से कह कहते मतलब जो DAP नहीं मिल पाई, समय से लगा नहीं आलू, कह कहते थोड़ा ना लेट लगा और फिर उसके बाद में कह कहते थोड़ा मौसम भी कह कहते इसके अनुकूल नहीं रहा, ठंड अधिक पड़ी और फलाव कम रहा, ये कारण रहा है इसका। तो दादा कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको, जरा आलू दिखाइए और इधर देख लेते हैं इनका कैसे भी वो है। और दादाजी जरा आलू का वो दिखा दीजिए कैसा साइज़ बना है, साइज़ सबसे ज़्यादा मेंटेन करता है और साइज़ में क्योंकि 37-97 जो है साउथ की मांग को ही पूरी कर पाता है और ज़्यादातर किसान जो है हमारे जो आगरा क्षेत्र है, आगरा बेल्ट है, वहाँ पर यही आलू करता है। अगर आप देखें तो आलू का साइज़ जो है यानी कि मीडियम साइज़ का कम है और क्रिक गुल्ला ये ज़्यादा है। इसका कारण भी काफ़ी हद तक किसानों को समय पर DAP नहीं मिलना, समय से लाइट का ना आना ताकि और सिंचाई का काम जो है प्रभावित रहना, यही कारण है। हाँ यही कारण है। टाइम से यूरिया नहीं मिला, टाइम से DAP नहीं मिला, यही कारण है। हाँ, समय से कहा बुवाई नहीं हुई। मेरे साथ में चाचा मौजूद हैं और ये किसान हैं और इनसे ही पूछ लेते हैं क्योंकि 37-97 का उत्पादन वैसे भी तो नॉर्मल 50-55 का हो जाता था लेकिन इस साल जो है जैसा कि 37-97 का आंकलन व्यक्त किया गया था कि मतलब 15-20 पैकेट का लॉस होगा, वो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अरे सर ऐसा है, कह रहा मैं कुरसंडा से हूँ, ग्राम सभा से, आलू मेरा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सरकार की जो भी हो, गाना टाइम से या DAP और खाद मिल जाता तो मैं टाइम से इसको बो देता और गाना पहले मेरा 60 टाइम से मैंने गाना DAP और यूरिया मुझे मिला था तब तो मैंने गाना उसको अच्छे ढंग से बोया था। इसी ज़मीन में जो आप खड़े हो इसमें 60 कट्टे का बीघा का निकला था। 37-97 अब कितने का? अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कहना में खिंचा तो 40 हो जाएगा, नहीं तो इससे मान लीजिए आप 20 कट्टे की औसत कम हो गई। यानी कि एक तो समय पर बुवाई नहीं हुई और दूसरा DAP। हाँ, अगर मुझे समय पर DAP प्राप्त हो जाती तो मैं बो देता तो मुझे वही उसी हिसाब से मेरी हो जाती। हाँ, दिक्कत ज़्यादा है और किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। इनसे पूछ लेते हैं, भैया क्या नाम है? सोनू नाम है जी। सोनू भैया एक बात बताइए, आप सुबह से ट्रैक्टर चला रहे हैं, कितना बीघा खेत जोत दिया हुआ? सर वैसे वो 7-8 बीघा। 7-8 बीघा एवरेज निकल पाया ट्रैक्टर का? नहीं निकल पाया। मजदूरी निकल पाई? नहीं सर नहीं। कितने बीघा डेली खोते हैं तब मजदूरी निकल पाती है? कम से कम 10-12 बीघा। 10-12 बीघा तो अभी 7 बीघा ही खोदा है, खिंच जाएगा तो 2-3 बीघा और, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इससे परेशानी क्या आ रही है मज़दूरों को भी? डीजल महंगा है। डीजल तो महंगा है। आलू छोटा है? छोटा आलू है, इस वजह से परेशानी हो रही है में। और टाइम भी लेबर ले रही है? टाइम भी बहुत ले रही है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। चलिए आप डिगरिंग कीजिए और मैं इनसे पूछ लेता हूँ और कई लोग भी मौजूद हैं।
तो किसान साथियों, जिस खेत में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आलू की खुदाई हो रही है और खुदाई से संबंधित जैसा इन्होंने बताया है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है गुल्ला साइज ज़्यादा निकल रहा है। बात भी कहीं तो इनकी सही है, कहीं कहीं आलू मीडियम है तो कहीं कहीं गुल्ला भी है, तो ऐसे में एवरेज ट्रैक्टर की भी नहीं निकल पा रही है। और मजदूर हैं, इनसे ही हम पूछ लेते हैं जो इस आलू की बिनाई कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? हैं पप्पू। पप्पू जी, पूरे पप्पू हो रहे हो क्या? हाँ। खेत में पूरे बैठ गए? हाँ। और आलू भी छोड़ रहे हो? आलू वही कहाँ रह जाते, नैनो सुन भैया वो तो नैना ज्यादा है क्या? हाँ नैनो ज्यादा है। परेशानी हो रही है बिनने में? हाँ होते। पल्ली साइड तो बहुत खराब लग रहा है, जहाँ में तुमने थोड़ा बढ़िया, वहाँ में तो बहुत ही बेकार है। वहाँ में तो देखो कितने आलू रहे हो, वहाँ पल्ले में आलू भी नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, खाद पानी का पैसा भी नहीं निकलेगा उस खेत में। खाद पानी का नहीं निकल पाएगा तो आपकी मजदूरी भी नहीं। हाँ मजदूरी तो किसान मजदूरी जानना मिलेगी, उसको खोदना पड़ेगा ही जी, खोदना तो पड़ेगा ही जी। देखिए मजदूरों की भी काफ़ी परेशानी है और मेरे साथ चाचा भी मौजूद हैं, चाचा जी से पूछ लेता हूँ क्या स्थिति है। देखिए सभी जो हैं खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं और खेतों का निरीक्षण करने के बाद में ही उत्पादन का आंकलन भी व्यक्त करेंगे और मंत्रणा भी कर रहे हैं जी। क्या? हाँ जी सर, क्या स्थिति चल रही है आपकी? हाँ स्थिति जी ऐसा, आलू डाउन कम निकल रहा हूँ उनमें, डी ए पी टाइम से मिला ना, यूरिया टाइम से मिली, किसान है, किसान परेशान भर रहा है, आलू घाटे में जाओ किसान तो का बगे आलू ज़्यादा घाटे में। हाँ तो कम नहीं कर रहा हूँ, आलू किसान घाटे में जाए। साइज तो इसका रेट भी रेट अगर सरकार इसका रेट बढ़िया कर दे तो तब भी किसान की जान बच जाएगी। कितना मान मान लो कम से कम करना में 600-650 रुपये तो हो ही जाना चाहिए। अगर यहाँ पे खेतों से बात की जाए खुदाई की तो खुदाई पर क्या रेट चल रहा है? खुदाई पे अब तो 400 रुपए से लेकर करना 450 रुपए तक है। कोई गड्ढे चल रहा है? हाँ मोटा भी मोटे वाला चल रहा है 500 रुपए। स्थिति गड़बड़ कर दी दोबारा, दो दिन पहले अच्छा रेट था। हाँ हाँ जी पहले अच्छा था, यानी कहीं कहीं कल भी तो दिखाया था, कल भी तो अच्छा रेट था। हाँ। अब नहीं ले रहे? अब नहीं ले रहे साहब, कोई नहीं ले रहा, कोई व्यापारी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करें, स्टोरों को करना पड़ेगा। स्टोर वाले कहते हैं कि ना हमें क्या, हमें तो सरकार बिजली कम नहीं कर रही, बिल नहीं कम कर रही, तो हम तुम्हारा भाड़ा कहाँ से कम कर दें? अब 120 का पूरा भाड़ा ले रहे हैं, 115-120 ले रहे हैं। आपका बोरा क्या रेट का चला है सर? बोरा 120 को भाड़ो कोल्ड को, भाड़ा तो 120 का है, जो बाड़दाना आता है वो क्या? 36 रुपये आया है, 36 रुपये। उस पर भी ब्याज लगेगी? हाँ उस पर ब्याज लगेगी। हाँ ब्याज तो बोरे पे भी लगी और किस पर ही लाए साहब, ब्याज पर ही लाए साहब, कहना मैं 3600 रुपये के हिसाब से मिला है, 50 पैसे मान लो उसके कहना मैं मार्का लगाने के 50 पैसे उसके भाड़े के 37 रुपये मान लीजिए साहब। यानी कुल मिला के परेशानी भरा काम है। हाँ जी 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 जी, ये पूरी परेशानी है किसानों के लिए, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अगर सरकार इसका समाधान करे तो किसानों के लिए कुछ हो सकता है। जी जी, मेरे साथ में एक युवा भाई भी भैया भी मौजूद हैं जो लेबर के पीछे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं कि आलू ना छोड़े लेबर, लेकिन लेबर की मजबूरी ये बन गई है कि आलू छोटा है, यही कारण है क्या? हाँ जी छोटा आलू छोटा है और इसमें खतुआ हुआ है, इसलिए परेशानी आपको इनके पीछे भाग दौड़ करनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ठेकेदार हूँ लेबर का। लेबर का ठेकेदार हो तो आपने कितने बीघा खोद दिया? खुदवा दिया मैंने अभी 20 बीघा खोदा है, दो दिन में। और नहीं तो एक दिन में खोद जाता था। हाँ एक दिन में खोद जाता था, कारण यही है छोटा साइज का। साइज बहुत छोटा है साइज, पहले 2000 रुपये में बीघा खोदता था, अब 1700-1800 डाउन हो गया आलू की, जब भी प्रॉफिट नहीं है ठेकेदार को। ठेकेदार को तो प्रॉफिट हो ही नहीं। हाँ जी इसी तो कई किसान ऐसे हैं जो पूछते हैं कि 37-97 की पैदावार 40-45 की हो सकती है, अगर इस आलू को देखा जाए किसान तो इसे 40 का ही आंकलन बता रहा है, आपकी क्या नज़र है? हाँ जी कम है आलू, पिछली साल से बहुत कम है, पिछली साल 50-55 अब कितना, कम से कम 20% कम है आलू, ज़्यादा कम हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका कारण है DAP टाइम से नहीं मिलना। नहीं ये तो सब है। अब आलू किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, निकालें या स्टोर करें? स्टोर करेंगे, निकालेंगे भी स्टोर करेंगे, अपनी समझ है तो हम दें। हाँ अब सरकार लेने, जब सरकार खरीदे तो हम तो देंगे यहीं, अगर मजबूरी में और नहीं तो हमारे लिए और का विकल्प क्या है, यही विकल्प है। इसको अनाज तो है नहीं, अपने घर में रख लें हम, अनाज तो है नहीं, इसको अपने घर में रख लें हम, ये आलू कच्ची सब्जी है ना, इसको तो हमें स्टोर ही फिर करना पड़ेगा, और स्टोर में भी हमें ब्याज देनी पड़ रही है, और देखो स्टोर से पैसा लिया है वो तो चुकाना ही पड़ेगा। अब क्या कहाँ से शादी करें, मेरा निवेदन अपना वो करें, मेरा निवेदन यही है आप लोगों से, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें, 50% आप अपने खेत से अगर रेट अच्छा लग जाए तो बेच लीजिए, नहीं तो कोल्ड में रख लीजिए। अरे नहीं सरकार में कोई लेने वाला हो, सरकार का कोई लेने वाला है या खरीदने वाला मंडी में कोई हो आदमी, तो हम उसको देंगे। हम तो 50% का 60% बेच देंगे, 40% का हम तो
हम तो साहब 50% बेच देंगे और 60% बेच देंगे। अगर सरकार का कोई खरीदने वाला हो तो हम खरीदें, हम सरकार का जहाँ कांटा हो वहाँ पहुँचा देंगे हम। यानी कुल मिला के सरकार अगर निर्धारित कर दे, सरकार अगर खरीदने लग जाए तो आलू जो है, अगर सरकार निर्धारित कर दे कि इस कांटे पर इस स्टोर में हम अपना वो लगा रहे तो किसान साहब जान बच जाएगी, किसानों को इतनी बेहाली और समस्या का सामना नहीं गुजरना पड़ेगा। पूरी रात हो गई, 24 घंटे हमें जगना पड़ता है गाय और उनके लिए, सांडों के लिए। मेरी कमर में टक्कर मारी सांड ने तो मेरी कमर ही अब दर्द कर रही है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। यानी कुल मिला के पूरी साल भर जो मेहनत थी आपकी, वो आपका ये ज़्यादा था, आशा ज़्यादा थी कि पैदावार ज़्यादा निकलेगा, हुआ उसका उल्टा हुआ साहब। इसी वजह से हुआ कि कहना, पहली बात तो ये डीएपी और टाइम से नहीं पहुंच सका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाय वाली समस्या थी, गाय वाली ज़्यादा समस्या। देखिए किसान साथियों, मैं इस वक्त आलू के खेत में मौजूद था और किसानों की बस यही मांग सामने आई है कि अगर सरकार इसका MSP निर्धारित कर दे आलू के मूल्य का, तो इनकी जान बच सकती है। फिलहाल अगर 2022 का पैदावार की बात की जाए, तो क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत में रुझान आना और बीच में भंवर में और फिर अंतिम समय में उसका आंकलन करके बताया जाएगा कि 37-97 पैदावार कैसी है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार 37-97 की पैदावार में 10-15 पैकेट की गिरावट आई है। यानी कि जो आलू 37-97 50-55 या 60 पैकेट का बीघा निकल आता था, वो महज अब 35-40 या 42 तक ही सीमित रह गए। ऐसे में किसानों के साथ तो इनकी जो मेहनत थी वो रंग लाती हुई नहीं दिखाई दे रही, साफ चेहरे पर तरकस नज़र आ रहे हैं। तरकस बात होती है चिंता की लकीरें, अगर नहीं जानते हो तो ये वो किसान हैं जो पूरी साल भर मेहनत करते हैं एक फसल के लिए, उन्हें अच्छा उत्पादन मिल जाए, लेकिन इस वर्ष इनका मिल नहीं पाया। तो बहरहाल किसान साथियों, सरकार से भी हम यही निवेदन करेंगे और आपसे भी निवेदन यही करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कई किसानों पर जू रहेंगे और आलू का MSP निर्धारित हो, ताकि आलू किसानों को आलू का अच्छा दाम मिल सके। बहरहाल किसान साथियों, आपके साथ मेरे साथ आलू के खेतों से, आगरा मंडल के जिलों से, यही रोजाना के आलू भाव देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। रोजाना आलू की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लिए। धन्यवाद किसान साथियों।